नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए रुख करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। दरभंगा रविवार को जिले के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के देह प्रखंड अंतर्गत लगमा पंचायत की बथई गांव में लोजपा प्रखंड के प्रधान महासचिव उगन यादव की अध्यक्षता में प्रजा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है। प्रदेश महासचिव प्रदीप ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान लोगों ने सड़क, पुल एवं स्वास्थ्य सेवाओं की समस्याओं को प्रमुखता से रखा है। लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे की सुविधा नहीं होने को बड़ी समस्या बताया है। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए लजपा के प्रदेश महासचिव प्रदीप ठाकुर ने कहा है कि एक तरफ जहां बिहार को बेहतर बनाने के लिए लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को सुझाव और उनसे मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के कार्यकर्ता प्रजा संवाद के तहत क्षेत्र में जाकर लोगों से स्थानीय समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी बिहार स्टेट हेड देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। आज यहां प्रजा संवाद का कार्यक्रम था, जिसको लेके हम लोग हर पंचायत, हर प्रखंड, हर विधानसभा जा रहे हैं। आज अलीनगर विधानसभा के तारड़ी प्रखंड के लगमा गाँव में, बथई गांव में, लगमा पंचायत के बथई गांव में यह कार्यक्रम हुआ है और प्रजा से सीधे रूबरू हुए हैं हम लोग। उनके साथ बैठ के, जमीन पे बैठ के उनके सामने सारी बात करके, जो भी उनके अंदर थी, जो लोकल समस्या थी, बड़ा बड़ा समस्या तो रोड सड़क बहुत है, सरकार देखो देखती है, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनको सुनने कोई नहीं आ पाते हैं उनके पास। चुनाव जीतने के बाद खुद प्रजा को जहां जाना पड़ता है, जनता को जाना पड़ता है, हम लोग सुनने आए हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी अभी दो दिन पहले बिहारी फर्स्ट के वेबसाइट पे व्हाट्सएप नंबर जारी करके जनता का सुझाव मांग रहे हैं कि कैसे भी कैसा बिहार बने, वो परिकल्पना कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम सभी को, प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, जिला के कार्यकर्ताओं को, प्रखंड के कार्यकर्ताओं को जनता के बीच भेज रहे हैं कि जाके जो भी समस्या है उनका समस्या लीजिए, उनसे बात कीजिए और उसके निदान का प्रयास कीजिए। यही कार्यक्रम लेके आज जो यहाँ मुख्य समस्याएं आई हैं, सड़क पे पानी लगता है, नाले की आवश्यकता है, बड़ा बड़ा तालाब है उसमें घाट नहीं है, पुल पुलिया की समस्या है जिससे अभी पानी आने के बाद आवागमन बाधित हो जाता है। मुख्य रूप से कुछ स्वास्थ्य की भी समस्याएं थी और स्वास्थ्य की समस्या तो बहुत बड़ी थी, वो ताड़ी प्रखंड के स्वास्थ्य की समस्या है, ओपीडी भी सही से नहीं चल